दोस्तों मैं काफी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। कुछ दिनों पहले एक शब्द था विनोद, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ शब्द, सारे मीडिया वाले इसके पीछे लग गए। सारे मीडिया वालों ने अपने संवाददाता भेजे और पता लगवाया कि भैया ये विनोद है क्या। इस विनोद की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ सामने निकाल कर रख दी। बाद में पता चला तो ये विनोद क्या था, तो ये कपिल शर्मा का जोक आप लोगों ने सुना होगा, बाबा जी का ठुल्लू था। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला किसी को, पर लेकिन मीडिया हाउस इसके पीछे पागल जरूर हुआ एक बार। पर लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे ऐसे जेन्युइन मुद्दे हैं जिनके बारे में मीडिया बात करने के लिए तैयार नहीं है। एसएससी का रिजल्ट रुका हुआ है, रेलवे के एग्जाम के बारे में बात करें, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में कोई भी मीडिया वाला कुछ भी कवर करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन ये सारे मुद्दे जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ में है। आज की डेट में मीडिया वालों को बस एक 24 घंटे का काम मिला हुआ है कि एक ही चीज को घुमा घुमा कर दिखाते रहो, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा कौन है सीबीआई पता नहीं लगा रही है, मीडिया पता लगा रही है। सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी कैसे लगाई या फांसी दे दी गई, उनके गले में कैसे फांसी डाली गई, कहां कहां पर क्या क्या मार्क्स लगे हुए फांसी के, उनके पैरों के तलवे में क्या इंजेक्शन लगे हुए थे, मतलब पता नहीं कैसे कैसे चीजें मीडिया में सामने निकल कर आ रही है। और ये पता है क्यों चल रहा है? आप लोग एग्जैक्ट मुद्दा इसके पीछे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग को पता चलेगा, बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, वरना सुशांत सिंह राजपूत में किसी भी मीडिया हाउसेज का और गवर्नमेंट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ये केस सीबीआई के पास में पहुंचा, इसका बेसिक रीजन ये है क्योंकि यहां पर आज के डेट में इलेक्शन आ रहे हैं बिहार में, तो उसी को चलकर इसका मुद्दा बनाया जा रहा है। पर लेकिन जो स्टूडेंट्स आज के दिन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इंटरेस्टिंग बात मुझे पता है क्या लग रही है यहां पर, जो लोग एग्जाम देना नहीं चाहते हैं उनको तो जबरदस्ती एग्जाम दिलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप लोग, गवर्नमेंट बोल रही है कि एग्जाम देने जाओ। यानी कि इस तरीके से यहां पर एक उल्टा ही, एक तरीके से वो नहीं कहते कि उल्टी गंगा बह रही है, मतलब जो एग्जाम देना नहीं चाह रहे उनको बोला जा रहा है कि एग्जाम दो, और जो एग्जाम ऑलरेडी ले रखे हैं उनके लिए जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं भैया उनका रिजल्ट निकाल दो, तो उनका रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। एसएससी सीजीएल के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डेटा आप लोगों के सामने रखूं तो ये आप लोगों को चौंका देगा क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, नोटिफिकेशन जो आया था इसका, ये 4 मई 2018 में आया था। फॉर्म के लिए जो अप्लाई किया गया यहां पर, ये 5 मई से स्टार्ट किया गया। प्रीलिम्स डेट थी यहां पर 4 जून, मेंस की जो डेट थी ये थी 11 सितंबर, और आज की डेट में अगर हम लोग बात करें यहां पर, आप लोग देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की 29 दिसंबर, और आज की डेट में हम लोग बैठे हैं, आज इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहां पर निकल कर आ ही नहीं रही है। तो एसएससी सीजीएल को लेके कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो तो दो दो तीन तीन साल से यहां पर पड़े हुए हैं कि हाँ भैया किसी तरीके से एक आस लगाकर बैठे हैं कि आज रिजल्ट आएगा, कल को भैया थोड़ी चीजें आगे बढ़ेंगी, पर कुछ भी ऐसा आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है इसका? सीधा सीधा सबसे बड़ा रीजन ये है कि गवर्नमेंट एक तरीके से इस पे फोकस देने के लिए तैयार नहीं है। और जब गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि भैया रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो, तो बताए वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि कोरोना चल रहा है। मतलब कोरोना चल रहा है तुम हम लोगों को एग्जाम देने के लिए बोलोगे, पर लेकिन कोरोना चल रहा है आप लोग रिजल्ट भी नहीं निकालोगे, मतलब हम लोग तो एग्जाम भी देने जाएं और आप लोग रिजल्ट भी नहीं निकालोगे। तो यहां से पता चलता है कि आज की डेट में जो गंगा है वो किस दिशा में बह रही है। एक और मुद्दा जो काफी इंपोर्टेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है यहां पर आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। लगभग यहां पर 2.5 करोड़ के करीब फॉर्म भरे गए, जिसमें फीस इन्होंने 500 के रुपए के करीब यहां पर फीस ली। टोटल पैसा अगर इकट्ठा करकर आप लोग देखोगे तो लगभग 12.5 अरब के करीब यहां पर पैसा ही निकल कर आएगा। तो यहां से आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं, अगर इसके ऊपर ब्याज भी लगाया जाए तो कितना बड़ा एक घोटाला यहां पर सामने निकल कर आता है। लेकिन अभी बात क्या की जा रही है, इनके सबके 400-400 रुपए जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को पता है रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। एक टाइम पर ये सौगंध खाई जाती थी हमारी कंट्री में कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा। पर लेकिन आज के दिन में चल क्या रहा है, कोई रेलवे ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई सारी ट्रेन जो है वो बेची जा रही, इवन जो अच्छे अच्छे पीएसयूज हैं, मैंने आप लोगों को हिंदू न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन कराया उसमें भी मैंने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए, ऐसे ऐसे पीएसयू आज की डेट में डिसइन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं जिन पीएसयू से काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को बेचा जा रहा है, ये सोचकर कि एक टाइम में ही उसकी गर्दन काट के सारे अंडे बाहर निकाल लो, माला माल हो जाएंगे। पर लेकिन वो सिचुएशन सही नहीं है, देश को किस डायरेक्शन में हमारी गवर्नमेंट लेकर चल रही है वो यहां पर समझ में नहीं आ रहा है। आज की डेट में अगर हम लोग मुद्दे देखें तो मुद्दे कई सारे हैं, जैसे कि इकोनॉमी के बारे में बात करें, कोई यहां पर इसके बारे में बात करने के लिए नहीं है। सारे मीडिया हाउसेस किसके चक्कर में लगे हुए, वो लगे हुए सुशांत सिंह राजपूत के चक्कर में। दूसरा मुद्दा, जब यहां पर अगर मीडिया के बारे में आप लोग बात करें तो मीडिया के द्वारा बोला गया कि सारे लगभग 85% छात्र ये चाहते हैं कि वो परीक्षा देना चाहते हैं, यानी कि किसी को परीक्षा से परेशानी नहीं है।
पर लेकिन जब बात करें एग्जाम को पोस्टपोन करने की बात की गई तो 93% लोगों के द्वारा यह बोला गया कि एग्जाम को पोस्टपोन करना है। यह भी ट्विटर पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, पर लेकिन मीडिया हाउस जो है वो आज की डेट में बिल्कुल गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रही है। तो आज की डेट में अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों से बात करूं, 10 करोड़ के करीब बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, 2 करोड़ के करीब तो कोरोना काल में ही बेरोजगार हो गए, और इसी के साथ में 50 लाख के करीब जो लोगों की जॉब गई है, माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में लोगों की जॉब गई है। अगर अभी चुनाव डिक्लेयर कर दिया जाए तो चुनाव एक तरीके से ये मानिए कि ऐसा लगता है कि उन्हें कहते हैं कि छत्ते के ऊपर मधुमक्खी आकर बैठ गई, सारी चीजें एकदम होने लगती है। मतलब पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, सारी जो भी आप लोगों को व्यवस्था चाहिए सारी अप टू द मार्क आप लोगों को मिलेगी। मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि चला दिन का चिराग घिसा और सब कुछ आप लोगों के सामने आ गया। पर लेकिन जब बच्चों के भविष्य के बारे में बात करते हैं, जिनको बोलते हैं कि आने वाले कंट्री का भविष्य है ये बच्चे, उन बच्चों की आवाज सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, वही एक मुझे डायलॉग यहां पर याद आता है कि गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठो, गवर्नमेंट आपके भरोसे बैठी है, मीडिया के भरोसे मत बैठो, मीडिया भी आप लोगों के भरोसे बैठी है। तो आप लोगों को खुद अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, और वो भी उस लेवल पर उठानी पड़ेगी ताकि सबके कान खुले कि हाँ, अगर आज की डेट में जो युवा को सताया गया तो युवा फिर क्या कर सकता है, वो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। आज की डेट में चलिए ये तो आप लोग मान लेते हैं कि आप लोगों को पता है कि जो सारे जो भी एग्जाम है उनको अगर एक पैटर्न आप लोग समझना चाहोगे तो हर एक एग्जाम में जो वैकेंसीज हैं वो कम होती जा रही है। चाहे सीजीएल की बात करिए, आईबीपीएस पीयू की बात करिए, और जिसके लिए मैं आप लोगों को प्रिपरेशन कराता हूं यूपीएससी की, चाहे आप लोग उसकी बात करिए, 2014 में वैकेंसी देखिए, 15 में देखिए, 16, 17, 18 और 19, तो ये ट्रेंड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब जो खुद अपने आप ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं वो वाली जॉब भी यहां पर ये बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। उनके लिए भी क्या है, एक साल आप लोग फॉर्म भर दो, अगले साल आप लोग का एग्जाम होगा, उसके अगले साल आप लोग को यहां पर क्या करना है, वेट करना है। चलिए ले देकर अगर रिजल्ट भी आ गया, उसके फिर 2-3 साल बाद में अब तक वो बच्चे बैठे हुए हैं जिनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। यानी कि जिस बच्चे ने अगर आज के डेट में 2015 में या 2016 में जिसने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट की, वो 2020 तक ऐसे ही बैठा हुआ है। आप लोग ये समझिए कि वो बच्चा आज की डेट में कैसा फील कर रहा होगा। वो जो बच्चा कब से ग्रेजुएशन कर इसके चक्कर में, एग्जाम के चक्कर में पढ़कर अपनी जिंदगी का जो कीमती टाइम है, एक नहीं कहते हैं कि जो एक तरीके से एक ऐसी एज है जो सबसे प्रोडक्टिव एज मानी जाती है, वो यहां पर एक तरीके से अपनी एज को गवा रहा है। तो कौन इसको समझेगा? अगर इस युवा जनरेशन की इस एज को इस तरीके से आप लोग बर्बाद करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसके बारे में आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोग खुद आवाज नहीं उठाओगे तो फिर आगे काम नहीं चलेगा। देखिए, मीडिया हाउस काम नहीं करने वाला है क्योंकि वो इस चीज को कवर करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, बाढ़ आ रही है, कैसे एग्जाम आप लोग दोगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके द्वारा मुझे खुद जो कमेंट किया गया यहां पर द हिंदू न्यूज़पेपर के नीचे, या फिर मेल किया गया, उसमें बोला गया कि कई सारे एरिया में ऐसे जहां पर बाढ़ आ रही है और वहां पर बच्चे एग्जाम देने कैसे जाएंगे, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब हर टाइम 24 घंटे मीडिया वो चीज दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब एक तरीके से वो नहीं कहते कि राम राज आ रहा है, सब कुछ मजे में चल रहा है, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आप लोगों को याद भी होगा, अभी एक द हिंदू न्यूज पेपर में एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था कि मीडिया जो है मेन मुद्दे से भटकाकर आप लोगों को ऐसे मुद्दे में बिजी रखना चाह रही है जिसमें कि आप लोग मेन मुद्दे से दूर हो। इंप्लॉयमेंट के बारे में कभी बात नहीं करेगी, हेल्थ के बारे में कभी बात नहीं करेगी, इसी के साथ में जो एग्जाम के रिलेटेड ये प्रोटेस्ट चल रहा है कभी बात नहीं करेगी, इकोनॉमी की हालत खस्ता हो गई है उसके बारे में कभी बात नहीं करेगी। इवन हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने तो बोल दिया कोरोना जो है वो एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि जिस तरीके से प्रेस रावल ने बोला था ना, आप लोगों ने ओएमजी मूवी देखी होगी, सेम पैटर्न हमारी कंट्री में आज के में गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, एक्ट ऑफ गॉड उसको बोला जा रहा है। अब पता नहीं एक्ट ऑफ गॉड क्या है, अब इनसे कोई पूछे तो ये उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों को खुद यहां पर इस चीज के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैक्सिमम जो एजुकेशनल चैनल है आज के में वो इस चीज को लेकर सामने आ रहे हैं। तो जो जो भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, हर एक एजुकेशनल जो चैनल है उसकी वीडियो को आप लोगों को सपोर्ट करना है ताकि जो मीडिया है उनकी आगे खुले, कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ऊपर ही जनता मूड हो रही है। अगर खुद हम लोग आवाज उठाने पर आ गए तो हम लोग अपनी आवाज इस तरीके से उठा सकते हैं कि सारा युवा जो कंट्री का एक बार लग जाएगा ना, तो गवर्नमेंट अच्छी अच्छी चीजें हिल जाती है यार जिस टाइम पर अगर युवा अपने पर आता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है आप लोगों कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाइए, और हैशटैग के साथ में आप लोगों को ये चीजें पहुंचानी है। कई सारे हैशटैग आज के में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, आप लोगों किस हैशटैग के साथ में वीडियो वगैरह शेयर करनी है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के नीचे जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को बता दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हैशटैग के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, बेसिकली जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड हो सके। तो ये ट्विटर पर कोशिश कीजिएगा, ट्विटर पर मैक्सिमम जो आप लोगों को पॉलिटिकल लीडर वगैरह सारे आप लोगों वहां पर नजर आ जाएंगे, और या इसके अलावा फेसबुक पर जहां पर भी आप लोगों को सुटेबल लगे, जो जो भी जिस सोशल मीडिया हैंडल पर है, ये आप लोगों को ट्रेंड करानी है बेसिकली जो भी यहां पर ये हरकतें आज के डेट में चल रही है। अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए, और अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और सोचेंगे कि कोई और आकर आपकी जगह ये काम करेगा, तो फिर देखिए फिर तो ऐसे ही चलेगा जिससे चलता रहे। अगर आप लोग खुद आगे नहीं निकल कर आएंगे तो आप लोग की जगह कोई और आगे निकल कर क्यों आएगा।
तो इस तरीके से मीडिया अपना पल्ला झाड़ चुकी है। गवर्नमेंट आवाज उठाने के लिए, जो भी आवाज उठा रही है गवर्नमेंट, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। तो अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो ये सारा इसका फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर मत थोपिएगा कि हाँ सामने वाले की वैसे सारी चीज हो रही है। अगर आप लोग गलत को देखकर आवाज नहीं उठा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आप लोगों को गलत बात बोलने का कोई हक नहीं है कि हाँ भैया ये गलत हो रहा है, ये बोलने का कोई हक नहीं है जब आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हो। तो आवाज उठाइए, और यही एक टाइम है जिसमें आप लोगों को यहां पर चीजें समझनी पड़ेगी, और अगर अभी आवाज नहीं उठाओगे तो बहुत देर हो जाएगी, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि यहां एसएससी की या बैंकिंग की या फिर आईबीपीएस की बात हो रही है या फिर ये एनटीपीसी की बात हो रही है, हर एक जो भी स्टूडेंट है किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हो उसको इसके लिए आवाज उठानी है, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना है, इस आंदोलन को सपोर्ट करना है, ताकि सबकी आंखें खुले। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।